उस समय पूरे परिवार में सनसनी फैल गई जिस वक्त एकता कॉलोनी के रहवासी जो कि निम्बाड़ा से एक छोटे बच्चे को तोड़कर आ रहे थे, उनाया गांव के पास एक ट्राली ने इनके टेम्पो को टक्कर मार दी जिससे वह टेम्पो पलटी खा गया। एकता कॉलोनी के रहवासी के पास शहजाद उनके परिवार निम्बाड़ा दरगाह पर बच्चे को तोड़ने गए थे, जिसके बाद वहां से लौटते समय नया गांव के पास बड़ा हादसा होते होते टरा। हादसा एक ट्रक से हुआ, उस ट्रक ने इनके टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी जिसके बाद वह टेम्पो पलटी खा गया। टेम्पो ने 8 से 10 लोग बैठे हुए थे। वही टेम्पो पलटी खाने के दौरान सभी लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए और उसमें एक 36 वर्षीय शहजाद नामक व्यक्ति भी गंभीर घायल हुए। इसे जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही उस टेम्पो में 6 से 7 लेडीज थी और 2 से 3 बच्चे थे जिनको एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। वही इनका सबका उपचार जारी है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ रहे थे? हम निम्बाड़ा इलाके को तोड़ने गए थे, हमारे बेटे को वहाँ से आ रहे थे। हम लोग गार्ड होकर अंदर, हमारा ऑटो आगे निकल गया था, इनका पीछे रह गया था, तो गाड़ी वाले ने टक्कर मारे, नशे में था। आप कितने लोग थे उसमें? उस ऑटो में 11 जने थे। कितने लोग घायल लगे सभी टोटल? कितने 10 जने थे? 11 जने घायल, सब बच्चे बच्चों के लगे। निम्बाड़े से आ रहे थे हम 10-12 जने, एक दो टेम्पो थे, एक पहले आगे निकल गया, एक पीछे रह गया था। एक ट्रक आया पीछे से सकराना घाटी के पास में ढाबा है, वो वहाँ 3 ब्रेकर पड़ते हैं, वहाँ से ट्रक वाले ने जो ब्रेकर आया वो ब्रेक लगा, ट्रक वाले ने एकदम पुट्ठा मार दिया, टक्कर मार दी। टेम्पो ने 4-5 पलटी लगी, वहाँ 12-13 जने घायल हो गए, एक में की पूरी डेड हो गई। नाम उनका शहजाद भाई नाम है। आपका नाम? बड़े साल है नीमच के अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले ये लोग हैं और ये निम्बाड़ा गए थे अपने बच्चे की मन्नत उतारने। निम्बाड़ा के अंदर एक बुजुर्ग का मजार है जिनको गोला दे सरकार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये अपने बच्चे की मन्नत उतारने गए थे। जो ये 2 गाड़ियों में गए थे, 2 3-व्हीलर गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों से गए थे निम्बाड़ा। निम्बाड़ा से लौट के आते समय कानका के पास, कानका घसुंडी जो है और एक होटल है तुलसी होटल, उस तुलसी होटल के पास स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, स्पीड ब्रेकर पे से ये अपना 3-व्हीलर स्लो करके निकाल रहे थे। पीछे से ट्राले ने आकर के पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे सारे महिलाएं और बच्चे उछल उछल के 5-5, 7-7, 10-10 फीट उछल करके और दूर दूर जा कर के गिरे। जो छोटा बच्चा जो एक था उसने बताया कि ट्राले वाला बड़े ही लहरा करके गाड़ी चला रहा था और उसने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से गाड़ी पे टक्कर मारी है जिससे जितने भी यात्री थे वो सारे यात्री 5-5 फीट उछल करके गिरे। गाड़ी जो चला रहा था शहजाद नाम का व्यक्ति जो अपना टेम्पो चला रहा था उसको टक्कर लगने से वो इतनी भीषण जो है उसने टक्कर मारी थी जिससे कांच उसका टूट करके और ड्राइवर जो है सड़क पर जाके गिरा जिससे उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, सर में फ्रैक्चर था, हाथ बिल्कुल उसका कट चुका और वो हॉस्पिटल पहुँचते ही और उसने अपने प्राण त्याग दिए, वो ख़त्म हो गया और बहुत ही भीषण टक्कर थी उसने इस तरीके से ऐसा हुआ। ये जो लड़का शहजाद जो मरा है महज नौजवान लड़का है, उसकी उम्र 35 साल है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम ये शासन से प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय से मैं ये निवेदन करूँगा कि उसकी अभी मजदूर पैसा व्यक्ति है वो, उसकी तत्काल प्रभाव से अभी इमीडिएटली मदद होनी चाहिए, पारिवारिक मदद। उसके बाद जो भी हो उसको बाद में जो क्लेम वगैरह होगा वो तो बाद में हो गई, लेकिन उसकी अभी तत्काल सहायता होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील कुरैशी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का जिलाध्यक्ष और भाजपा जिला कार्य समिति। नीमच से आसिफ मलिक की रिपोर्ट।